ऑक्सीजन सप्लाई की जब हम बात करेंगे तो सीधी सीधी बात अब जम्मू कश्मीर की शुरुआत करते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी एदादोशुमार सामने आए हैं और साथ साथ सरकार ने अब नरमी का भी ऐलान कर दिया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर मजीद ऑक्सीजन प्लांट्स खोलने की तैयारी और मजीद 32 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स वो जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर नस्ब करने का मंसूबा है, वो हतमी अंजाम तक बल्कि पहुंचाया जाएगा, महकमा सेहत की तरफ से जानकारी दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर ऑक्सीजन की कमी को या जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप था उसको पूरा करने के लिए एक कदम उठाया गया है, मजीद जो एडिशनल ऑक्सीजन प्लांट्स है वो जम्मू कश्मीर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स खोलने की तैयारी या नस्ब करने की तैयारी, लेकिन उसके साथ साथ बड़े अस्पतालों के अंदर इस मंसूबे के तहत जहां पर 32 या इससे ज्यादा भी तादाद आने वाले वक्त में महकमा सेहत के मुताबिक बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसके साथ जो दूसरी बड़ी चीज है, इन्हीं अस्पतालों के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता करके कोविड के जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं तो राहत देना भी इंतजामिया ने बाकायदा शुरू कर दी है। बड़ी बात यह कि जम्मू के अंदर सबसे बड़े अस्पतालों में से एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू और इससे मुंसलिक चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल वगैरह में अब इंतजामिया की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1 से 1.5 महीने के वक्त के बाद ओपीडीज खोलने का भी फैसला किया है। लेकिन महदूद यहां पर तैयारियां की गई हैं कि महदूद अंदाज में यहां पर आगे बढ़ा जाएगा और पर डे 25 से 26 अपॉइंटमेंट्स के साथ ही उसी फैसले के मुताबिक जो 2 हफ्ते कब्ल लिया गया था। और अब बाकायदा जब ओपीडीज कुछ खुल चुकी हैं दोबारा, जिन अस्पतालों के अंदर बंद थी 1.5 महीने के बाद खोला जाएगा, तो यहां पर भी अपॉइंटमेंट्स को कम किया जाएगा। 1 दिन के अंदर सिर्फ 25 लोग अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, पहले दिन अपॉइंटमेंट और अगले दिन इलाज होगा, ये बड़ी तैयारी। लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी को इन बड़े अस्पतालों में दूर किया जाए, दूसरी लहर में बड़ा चैलेंज रहा, उससे बचने के लिए 30 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स जम्मू कश्मीर के अंदर अब नष्ट करने की तैयारी। ये जो 30 ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन लगाए जा रहे हैं, ये 30 जो है वो CHCs के अंदर, SDHs के अंदर और 15 कश्मीर के अंदर और 15 जम्मू के अंदर जो है वो इस तरीके से लगाए जाएंगे, और इसमें वर्ल्ड बैंक की भी फंडिंग होगी और जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी का एक मेजर रोल इंस्टॉलेशन के अंदर इसमें लगेगा। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन प्लांट्स को ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट जो है वो बड़े अस्पतालों से अब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से CHC तक पहुंचेगा। उसके साथ साथ सरकार ने अब ये फैसला भी लिया है कि कोविड के अंदर जो बेहतरी देखने को मिल रही है वहीं पर GMC जम्मू के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर भी अब अपॉइंटमेंट का सिलसिला यानी OPD खोलने का सिलसिला शुरू किया गया है। तमाम OPD जब खुलेंगे तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए से जिस दिन रजिस्टर्ड बीमार को आने की इजाजत होगी उसके लिए उसका वक्त मुकरर किया जाएगा और एक स्पेसिफिक गाइडलाइन के तहत ये OPDs जो है वो चलाए जाएंगे और इस सिलसिले में बाजाबता तौर पर नोटिफिकेशंस भी जारी कर दी गई हैं। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक अब डेडिकेटेड फोन नंबर जो दिए गए हैं वो ऑपरेशनल रहेंगे पूरे दिन, जहां पर डॉक्टर आपके साथ रबते में भी रहे हैं। पहले भी कोविड के दौरान इस प्रोसेस को भी कंटिन्यू रखा गया और साथ साथ OPD प्रोसेस को भी चलाने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। बट